हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग। गाइस अलग अलग डेक से करेंगे। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आपके DM सिंगल है, कमिटेड है या किसी के साथ मैरिड भी है तो ये रीडिंग आप लोग के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग के एंड में हम लोग जो है ये डेक से जो है मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से आज की रीडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ इस देखते हैं कि DM की क्या चल रही है, फिर हम लोग उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम DM की करंट सिचुएशंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके ठीक है गाइस। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी DM जो है बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो रखे हुए हैं, ठीक है। आपकी DM जो है बहुत ही ज़्यादा अकड़ू हुए पड़े हुए हैं कि ये नहीं बात करेगी तो मैं भी नहीं बात करूँगा, देखता हूँ कब तक बात नहीं करती है ये। तो अगर आप दोनों की सेपरेशन चल रही है तो आपकी DM बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक इसमें है, वो नहीं झुकेगी तो मैं भी नहीं झुकूँगा, वो नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊँगा, ऐसी वाली सिचुएशन में है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि आप जो है इस सिचुएशन को एकदम देख रहे हो कि ख़त्म हो चुका है, पास्ट में है, आप दुखी भी हो गए, आप गुस्से से पागल भी हो गए, आप सब कुछ कर लिए जो आपको करना था और अब जो है आप एकदम शांति से बैठे हुए हो। तो उनको मतलब जो है ऐसे लग रहा है कि अरे मैं जाकर देखूं, मैं जाकर सोचूं कि ऐसे कैसे ये शांति से बैठी है, ऐसे कैसे इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा है, ये इतना मतलब क्या चल रहा है, ये सब कुछ छुपा के क्यों बैठी है, ये कुछ बता क्यों नहीं रही, इसके लाइफ का मुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा फियर और एंजाइटी में ढकेल रही है कि ये लड़की आखिर कर क्या रही है, ठीक है। तो इस वजह से वो अपने आप को बस शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका गुस्सा जो है वो है कि इसने कुछ नहीं एक्शन ले रही है तो मैं क्यों लूँ। वो गुस्से से आपको लेटर्स लिख रहे हैं लेकिन फिर फाड़ के फेंक दे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि क्या ये रिस्पॉन्ड भी करेगी, मुझे एक्शन लेना चाहिए या इसके एक्शन के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके DM जो है आपके लिए एक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी में उनसे मूव ऑन कर चुके हो, जो भी था आपके पास वो लेकर आप जा चुके हो अब उनकी लाइफ से, कहीं ना कहीं उनको ऐसे लग रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से, बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज़ से वो कि आप मूव ऑन कैसे कर गए, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, उनको आपके बारे में पता चलता रहे तो उनको शांति रहेगी। सबसे पहले हम ये करेंगे गाइस कि हम चक्रा ओरेकल से देखेंगे कि करंट चक्रास की उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जैसे कि मैंने आपसे कहा रूट चक्रा में उनको बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि ये भाग तो नहीं गई, ये चली तो नहीं गई मेरी ज़िंदगी से। और देखिए यहाँ पे बोलने में एरोगेंस आ रहा है कि मैं क्यों पहले बोलूँ। तो वो सब जो है उनका क्योंकि वो डिल्यूजनल है, उनको ये नहीं पता कि चल क्या रहा है, उनको वो सिर्फ मतलब अपने दिमाग में सुपरस्टिशियस हो रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो गया अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, अब ऐसा होगा, ऐसे होने से ऐसा होता है, वैसे होने से वैसा होता है, कुछ ना कुछ वो अपने दिमाग में खिचड़ी पका ही रहे हैं और बिल्कुल भी वो रियलिटी बेस्ड नहीं है, ठीक है। इस वजह से आपके DM की जो करंट सिचुएशन है वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो हम देखने वाले हैं वो रहने वाला है आपके DM के मैसेजेस, ठीक है। मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि इसको अभी के अभी ख़त्म करो। तो सबसे पहले आपके DM के मैसेजेस देख लेंगे या आपके DM आपको कहना क्या चाह रहे हैं। दो मैसेजेस है जो अर्जेंट थे, आना चाह रहे थे। आई एम डीपली अवेयर ऑफ द पेन आई कॉज्ड यू एंड माई हार्ट एक्स इन रिग्रेट। तो कहीं ना कहीं वो अंदर से ये भी जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है
और वो अंदर से उनका दिल दुखी है क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुखी किया है. वो कह रहे प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर दो मुझे, प्लीज वेट फॉर मी, रहो यहाँ पर, रुको, मेरा इंतजार करो. तो उनको यही चीज है जो उनको इनसिक्योरिटीज दिला रही है, और यही चीज है कि वो चाहते नहीं है कि आप मूव ऑन हो जाए. अब हम डीएफ की देखेंगे कि डीएफ की करंट सिचुएशन एनर्जीज क्या है. Oops. ठीक है गाइस, तो यही सारे कार्ड्स निकल कर आना चाहते थे, तो ये बाकी के जो भी आ रहे हैं वो मैं ले लेती हूँ, और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी ले लेती हूँ. ठीक है, तो अब देखेंगे कि डीएफ की करंट सिचुएशंस क्या है और डीएफ की क्या हीलिंग्स होने वाली है आगे. तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएफ बहुत ज्यादा रेडी है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. डीएफ जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपने हॉबीज और पैशंस को बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दे रही है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, पेशेंट रहना, इंट्यूटिव होना, सोच समझ कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, ये सब जो है डीएफ ऐसा कर रही है. ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि डीएफ को विक्ट्री चाहिए बस. जो मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल विक्ट्री की बात नजर आ रही है, इमोशनल विक्ट्री की बात यहाँ पर है ही नहीं. डीएफ को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बस मैं आगे बढ़ू और मेरा करियर चल जाए और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, और वो सिर्फ उसी के लिए झंडे गाड़ने के लिए मेहनत कर रही है. डीएफ जो है बस सक्सेस चाहती है अब कि भाई मैं ऐसा कोई करियर चुनूं जिसमें मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस मिले, ठीक है, जिसकी तरफ मैं पैशनेट हूँ, जो मुझे से हो पाए, जो मुझे पसंद आए, जिसमें मैं अपने दिन के 4-5 घंटे स्पेंड करना चाहूँ, ऐसा करियर डीएफ अपने लिए सोच रही है कि वो करना ही चाहती है, और बस उसी में ही सक्सेस चाहती है अभी के लिए. और देखते हैं गाइस कि आपकी के डीएफ की क्या चक्रास पे काम चल रहा है. तो मुझे यहाँ पे डिसिप्लिन, कोडिपेंडेंसी, ठीक है, डीएफ के मिसट्रस्ट भी बहुत रहता है. डीएफ को भी कोई ट्रस्ट नहीं रहता कि कोई उसके लाइफ में आया है तो अगर वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा. एक और चीज जो है एंटी सोशल, डीएफ ज्यादा किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, ज्यादा किसी के साथ मिलना जुलना दोस्ती बनाना अब नहीं चाहती. तो ये इसी वजह से आया कि डीएम ने भी बहुत ज्यादा हर्ट किया है, फ्रेंड्स ने भी बहुत ज्यादा हर्ट किया है. तो इस वजह से डीएफ जो है बिल्कुल भी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है. अगर डीएफ की बात की जाए तो हीलिंग में डीएफ को सेल्फ एस्टीम और कोडिपेंडेंसी की हीलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो उस पर काम चलेगा, और एक काम जो है डिसिप्लिन से अपना काम करना, वो भी एक चीज है जो डीएफ को सीखना पड़ेगा, जिसके ऊपर काम अभी चल रहा है. ठीक है, तो यूजुअली मैं देखती हूँ कि गाइस डीएफ जो होती है ना उसको डिसिप्लिन के लिए बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, क्योंकि डीएफ रोज रोज नहीं कर पाती कोई चीज, और अगर वो रोज रोज करने लग जाए सीरियसली तो वो डीएम एनर्जी में चले जाती है. तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ भी. तो मैं कभी भी कोई भी चीज ऐसे रोज रोज नहीं करती. 2-3 दिन किया छोड़ दिया, फिर 2-3 दिन किया फिर छोड़ दिया 1 दिन, ताकि मेरी जो डीएफ एनर्जी है ना वो मेंटेन रह सके. तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है डीएफ के साथ, और ये हील होगा आपसे. अब डीएफ डिसिप्लिन से बहुत सारे काम कर पाएगी तो ये बहुत अच्छी बात है. चलिए गाइस देखते हैं कि जर्नी में आप लोग के लिए आगे क्या आ रहा है. तो अगेन फाइनेंशियल अबंडेंस आगे आ रहा है डीएफ के लिए. डीएफ के लिए फेस्टिवल्स आ रहे हैं, गेट टुगेदर्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, गपशप करना और पैसे कमाना, बस यही 3 चीजें जो है मुझे डीएफ के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है अभी इस समय पे. और बहुत ज्यादा लोग होंगे जो बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे आपके और आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर,
कहीं ना कहीं मुझे ये भी आ रहा है कि अगर आपके जर्नी में क्या होने वाला है, अगर हम ये बात करें तो बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने आपको हर्ट किया है उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपको बहुत ज़्यादा रास्ते मिलेंगे एज अ DF कि आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ, लेकिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉन वेलकम बिहेवियर रहेगा, चाहे उनके घर वालों से हो चाहे बाहर वालों से हो। उनको जो ट्रीटमेंट कह सकते हो उन्होंने आपको दी, एक्सक्लूड करके रखा सब जगह से, वही चीज़ जो है अब उनके साथ होने जा रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है बहुत लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया उनको उनका कर्मा मिलने वाला है और आपकी बहुत अच्छी खासी हीलिंग होने वाली है। और ये सुन के जो है यहाँ पे बहुत सारी DS बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली है। तो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।